आम जनता ये चाहती है कि खुश रहे, आम जनता और बच्चे ये चाहते हैं कि देश का वातावरण अच्छा हो। एक तरफ देश जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है जलाने पे लगी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बांध के रखें, मोहब्बत बनी रहे, भाईचारगी बनी रहे। और ये जो शो हमने किया है ये पॉलिटिक्स से हट के किया है, जो यंगस्टर्स है हमारे वो जल्दी उठें, सुबह एक्सरसाइज करें। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमने जो है इवेंट्स रखा हुआ है, हर स्टॉल पे जुम्बा है, कराटे है, UFC है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बॉक्सिंग जो हेल्थ पे बॉक्सिंग है, बहुत सारी चीज़ें रखा है। और साथ ही साथ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म जहाँ इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं और जो आम जनता है इन लोगों से मिल नहीं पाती, देख नहीं पाती, खाली TV के ऊपर इन्हें देखने मिलता है, तो रू बरू इनको देख भी लेती है। इनका भी ऐसा लगता है कि भाई ये भी कभी इसी दौर से गुजरे हुए हैं लोग, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपका जो ये इनिशिएटिव है सक्सेसफुल हुआ, आपको कैसा लग रहा है? आपने कहा कि ये तो वो देश के नेताओं के मुंह पे चमाट है कि जो नफरत फैला रहे हैं, मेरे ख्याल से मोहब्बत फैलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग उनके पीछे भी जमा होंगे। और मैं इन लोगों से चाहूँगा कि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर और अपने मन से आता हूँ। मेरे को अगर सर बुलाएंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि कुछ इनवाइट भी नहीं भेजेंगे, मैं बिन बराती जो होते हैं ना बुला के वो ऐसा रहूँगा यहाँ पर। ये मेरे लिए मलाड मस्ती है, ये यूथ के लिए बहुत बढ़िया है, ये एक कॉज के लिए हो रहा है, ये एक बहुत बड़े कॉज के लिए हो रहा है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए हो रहा है। तो ये बहुत, एक तो ये है, एक बच्चे सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एक्सरसाइज बॉक्सिंग हो रही है, स्केटिंग हो रही है, डांस हो रहा है, तो ये सुबह सुबह उठ के ये हर कोई नहीं करता है, तो ये मलाड मस्ती में ही देखने को मिलता है। और मैं अपने मन से हर साल आऊँगा, ये मेरा वादा है। अरे बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। सुबह उठ के सुशांत भाई को भी उठाया मैंने, मेरे बड़े भाई, हम लोग साथ भी फिल्म में एक्टर्स हैं, तो इनको मैंने दिखाना था कि देखो कैसे होता है। और स्ट्रीट डांसर 3D आ रही है तो सबको बताना चाह रहे थे कि ये ट्रेलर है, दिखाना चाह रहे थे साथ में, बताना चाह रहे थे कि आइए फर्स्ट डे फर्स्ट शो आइए, जैसे भाई ने बोला, तो मज़ेदार है यार। तो सुशांत जी, आपको भाई यहाँ पर जगा कर लेकर आए, तो यहाँ आने के बाद कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कितना आनंद है? इससे पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतने सुबह सुबह लोग आ जाएंगे करके, क्योंकि सुबह उठना किसको पसंद नहीं रहता, मगर ये बहुत अच्छा एक थॉट है असलम सर का कि सबको सुबह उठा के लेके आए, सब लोग को फिट रहना रखना देख रहे। और यस, और जो हिसाब से प्यार बांट रहे, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है, आई थिंक अभी सब लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं, जितने प्रेस वाले भी होंगे या फिर ऑडियंस भी होगी, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, एंड ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, आई थिंक मैं बहुत मोटिवेट हुआ यहाँ पे आके और बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को भी, बिकॉज हम लोग ज़्यादा सेट पे रहते हैं, ऑडियंस से ज़्यादा इंटरेक्ट होता नहीं है, सो ये बहुत अच्छा एक ये है कि इंटरेक्ट करना। एंड यस, ट्रेलर भी दिखाना था तो यहीं पे आए थे, और 1,00,000 लोग आए हैं, पिछले संडे 50,000 थे, 1,00,000 लोग यहाँ जमा हुए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए, तो अच्छा लगता है यार देखने में। ये सब बच्चे लोग आ रहे हैं, यूथ उठ रहा है सुबह, ये नहीं कि शाम को पार्टीज में जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, नहीं, मोबाइल फोन में लगे बाहर हैं, खुले आसमान के नीचे कुछ कर रहे हैं, वाह वाह, प्रेस वाले भी इधर हैं। चलो, थैंक यू राघव, थैंक यू सो मच।